दोस्तों, मैं पृथ्वीराज नेथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं एबी असलम न्यूज़ ग्रुप। गंगोत्री से आज मेरी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट टीम पहुंची है और मेरे साथ यहां पर ठीक हरियाणा से यहां पर श्रद्धालु महानुभाव आए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। क्या नाम है सर आपका? कप्तान सिंह। सर, सर कहाँ से हैं आप? पानीपत, हरियाणा जी। सर, आपको मालूम है कि शीतकालीन में जो है पूरे चार धाम बंद है, पूरी बर्फ गिर रही है, ठंड काफ़ी है, फिर भी आप शीतकालीन में हरियाणा से गंगोत्री पहुँचे, क्यों? हम तो बहुत श्रद्धा रखते हैं गंगा माँ पे और 12 महीने आते रहते हैं। 1997 से शुरू हुई थी हमारी खिलासी सेवा समिति पानीपत से, और साधुओं की सेवा के लिए राशन जो भंडारे लगते हैं, जो राशन की सेवा है, वो हमेशा 24 घंटे 12 महीने चलते रहते। किसी साधु को या किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं होती, चाहे बर्फ़ काल है चाहे जो मर्जी है, हम तो बर्फ़ में भी चलते रहते हैं। 12 महीने की यात्रा हमारी चलती रहती है। तो ये मतलब गंगोत्री आप कब से आ रहे हो, कब से आपका भंडारा लगता है? 1997 से। 1997 से यहाँ पर जो है आप परमानेंट मतलब भंडारा लगता रहता है। शीतकालीन में यहाँ पर आते हैं, यात्रा काल के दौरान भी यहाँ पर आप आते रहते हैं। कपाट खुलते हैं जब भी आते हैं, कपाट बंद होते हैं जब भी आते हैं, और बीच में भी 4-5 चक्कर हमारे। तो आप अपने अपने परिवार के साथ आ रखे क्या? अकेले साथ? हाँ, परिवार है। अभी भी भंडारा लग रहा है संतों के लिए, भंडारा चल रहा है। शीतकाल में संत रह रहे उनके लिए अभी भंडारा चल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे जो है हरियाणा सोनीपत से आए हैं हमारे श्रद्धालु महानुभाव, क्योंकि यहाँ पर जो 1997 से संतों के लिए जो यहाँ पर जितने भी यात्री महानुभाव आते हैं उनके लिए यहाँ पर भंडारा लगता रहता है। बहुत अच्छी बात है। और मिलते हैं अब यहाँ पर हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं अमित सेमवाल जी। सेमवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप गंगा मैया के बारे में? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को गंगा मैया की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, और गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं पूरे विश्व के लिए कि गंगा मैया सबको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रहे, मैं ऐसी कामना गंगा मैया से करता हूं। जी, तो आगे आपका क्या विचार है, क्योंकि अभी आप जो है नवनियुक्त युवा जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आगे 2024 में भी चुनाव होना है, तो आगे आपने माँ भगवती गंगा का आशीर्वाद लिया, क्या इसमें आगे आप और कोई चुनाव लड़ेंगे? प्रथम बार जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना तो प्रथम आगमन मेरा गंगोत्री गंगा माँ के इस पावन तट पर हुआ है। तो सर्वप्रथम मेरे तो भाग्य इतना उज्ज्वल है कि मैं इस गंगा माँ का मुखिया रावल भी हूँ। आने वाला जो चुनाव है, मैंने गंगा मैया से प्रार्थना किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का चुनाव, इससे पहले हमारा नगर का चुनाव होना, नगर पालिका का चुनाव है हमारा, उसके बाद कोऑपरेटिव का चुनाव है, उसके बाद हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई मोदी हैं उनका चुनाव होना है, तो हम युवा बिल्कुल युवा एकदम कट्टर होके। सेमवाल जी, अगर मैं राजनीति की बात को छोड़कर, आप क्योंकि माँ गंगा के वरद पुत्र भी हैं, आप जो है माँ गंगा के रावल भी हैं, पुरोहित भी हैं, अभी शीतकालीन और जब ग्रीष्मकालीन में माँ भगवती गंगा गंगोत्री में विराजमान होती है, उस समय यहाँ का क्या क्लाइमेट, क्या माहौल, क्या एनवायरनमेंट रहता है? बड़ी जब कपाट खुलते हैं हमारे गंगा माँ के, जब कपाट खुलते हैं तो बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अभी हम देख रहे हैं, अब शीतकालीन में हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने लोगों का शीतकालीन में पहुँचना, ये भी जो गंगा के प्रति लोगों की आस्थाएँ हैं, वो आस्थाएँ अभी भी गंगा माँ के प्रति और लोगों की है, और शीतकालीन में भी लोग पहुँच रहे। अभी हमारे कुछ ही दिन पहले अपने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पूरा गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया गया, जो भी यहाँ पर जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे माननीय विधायक गंगोत्री विधानसभा के सुरेश चौहान जी और अध्यक्षता में यहाँ की जो बैठकें ली गई, जो व्यवस्थाएँ सुचारू करनी हो। सेमा साहब, यहाँ पे गंगोत्री में जैसे क्या कि काफ़ी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं यात्रा के दौरान में, एक तो यहाँ पर बस अड्डे की बहुत ज़्यादा जहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और डंपिंग जोन की भी मुझे लग रहा है शायद गंगोत्री में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए शासन प्रशासन या प्रतिनिधि क्या कदम उठा रहे हैं आगे? जो पार्किंग की व्यवस्था है, अभी तुरंत हमारा पार्किंग के लिए गंगोत्री धाम के लिए टेंडर होने वाला, उसका पैसा भी लगता है मुझे स्वीकृत हो चुका है, और पहले भी हमारी पार्किंग बन चुकी है, लेकिन पार्किंग की तो मुझे लगता है व्यवस्था तो पूर्ण है, लेकिन जो हमारा गंगोत्री धाम का जो आप डंपिंग जोन की बात करें, कूड़ा करकट की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनने, माने जिलाधिकारी जी से महोदय से इस विषय में बात हुई कि कहाँ पे हमको, और नगर पंचायत की टीम ने इस विषय पर चर्चा की है, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको
जो कूड़ा करकट हमारा ये गंगोत्री धाम का, उसको कैसे हम लोग इसको कहीं पे पहुंचाएं और ठीक से उसको रखें ताकि कोई गंदगी इस गंगोत्री धाम में ना फैले और गंगोत्री धाम पूर्णता से जैसे आप अभी देख रहे हैं स्वच्छ और सुंदर, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और ये प्रयास निरंतर करते रहेंगे कि गंगोत्री धाम स्वच्छ और सुंदर बनी रहे। ऐसा प्रयास है अमित सिंहवाल जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। और सीधे चलते हैं, अब अगर मैं इनको पाणिनि कहूँगा, संस्कृत के विद्वान है, प्रखंड विद्वान है, पूरे जितने भी हमारे श्लोक्स हैं, चाहे वो कंडार देवता को, काशी विश्वनाथ को, माँ गंगे को, आप बहुत ही प्रखंड विद्वान है, बहुत ही कमांड है इनकी श्लोकों पे, अपनी संस्कृत भाषा पे। आप हैं माधव जी, माधव जी एक श्लोक माँ गंगा के लिए। जी जरूर, और श्लोक से पूर्व मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप उत्तरकाशी के जितने भी हमारे जो मुद्दे हैं, वो चाहे उत्तरकाशी का डंपिंग जोन का मुद्दा हो, चाहे हमारी पार्किंग का मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दों को जो आप अपने इस चैनल के माध्यम से, DCN के माध्यम से जो अभी आप लोग समाज में जो आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे जल जंगल ज़मीन के जो मुद्दे उठाते हैं, आपके चैनल के द्वारा जो जल जंगल ज़मीन के जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से जो है निष्पक्ष रूप से हमारी उत्तरकाशी को आगे बढ़ाने के लिए आप जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। और आज क्योंकि हम गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं, तो माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इन जन मुद्दों को, जन सरोकारों से जो हमारे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप उठाते रहेंगे और निष्पक्षता से आप जो है हमारे जनता तक, हमारी सही बातें तक पहुँचा पाएंगे, उसके लिए मैं माँ गंगा जी से प्रार्थना करूँगा। और जैसे कि आप पृथ्वी जी को मैं पहले से ही जानता हूँ, आप जो है एक जगन्नाथ जी के पुजारी जी हैं, आप एक जो है बांसुरी वादक हैं, आप एक अच्छे पंडित हैं और बहुत कुछ मल्टी टैलेंटेड। मैंने आपको माधव जी इसलो गंगा जी के बारे में अब सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात हो गई है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर माले निवास निबिमाले मम मतिरास्तम तव पद कमले भागीरथी सुख दायिनी माता स्तव जल महिमा निगमे ख्याता ना हम जाने तव महिमानम पाही कृपामयी माम ज्ञानम पाही कृपामयी माम ज्ञानम हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे हिम विधुमुक्ता धवल तरंगे दूर कुरु मम दुष्कृत भारम कुरु कृपया भव सागर पारम तव जल ममलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वयो भक्ता किल तं द्रष्टुं नयमाशक्ता। बोले गंगे मैया की। बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर माधव शास्त्री जी के द्वारा, माधव भट्ट जी के द्वारा। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छी पकड़ है संस्कृत में। और जहाँ संस्कृति है वहीं संत है, और जहाँ संत है वहीं शांति है। बोलो गंगा मैया की जय। कैमरा पर्सन दीपक नोटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नेथानी गंगोत्री से।